तो भाई लोग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का जो मैच नंबर 15 है ना, इसमें कोमबिला विक्टोरियन के सामने होगा रंगपुर राइडर्स। अगर हम यहाँ कोमबिला विक्टोरियंस की बात करें ना, तो भैया ये तो बढ़िया परफॉर्म करे, क्योंकि 3 मैच खेला, 2 जीता, बस एक मैच हारा। रंगपुर राइडर्स की बात करें तो कभी रंग में दिखते हैं, कभी रंग में भंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो 4 मैच खेले उसमें 2 जीते 2 हारे, मतलब एक जीत रहे हैं एक हार रहे हैं। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीमें जो ये मैच उड़ा के ले जाएगी, जीतेगी, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अगर हम इस मैच की बात करें, ट्यूजडे 30 जनवरी इंडिया टाइम अनुसार 1 PM से आप इसका लाइव एक्शन देख सकते हैं। यह मुकाबला खेला जाएगा साहिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, साहिलहट के मैदान पे। तो भाई लोग, पिच रिपोर्ट के बारे में ना हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भैया मैच नंबर 13-14 जो है ना, इसी मैदान पे खेले जाएंगे। और जो मैच नंबर 13 है उसकी वीडियो मैंने पूरी बनाई है, और उस वीडियो में मैंने बताया है पिच रिपोर्ट के बारे में A to Z, पिच का बिहेवियर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी, कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, यहाँ पे मैच कितना स्कोर बनेगा कितना स्कोर नहीं बनेगा। तो जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको सब कुछ पता होगा यहाँ की पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर आपने नहीं देखी, पिच रिपोर्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो मैच नंबर 13 की वीडियो जाकर आप देख सकते हो। बस हम ये जानेंगे यहाँ के मैदान पे कौन सी टीम जीत का झंडा गाड़ने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि तभी तो गूगल चाचू को पता चलेगा मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप हमारा सपोर्ट करते हो। तो कर दो भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बढ़िया। और साथ में ना भाई का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, लेकिन सभी मैचों की जो वीडियो है ना वो बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी मैचों की जो प्रेडिक्शन है वो देना तो पॉसिबल है। कहाँ पर? मेरे टेलीग्राम पे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन चाहिए तो भाई का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोमबिला विक्टोरियंस की। देखो ये पिछला मैच ना जीत कर आए हैं, तो मुझे लगता नहीं कोमबिला विक्टोरियंस कोई चेंज करेगा, सेम प्लेइंग 11 के साथ आज के इस मैच में जाएगा। हालांकि लिट्टन दास की बात करें तो अभी तक एक भी मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस ना कर पाए, सभी मैच में फ्लॉप जाने। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो T20 के बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन जितने भी मैच खेले सारे मैचों में फ्लॉप, एक भी मैच में बढ़िया पारी रिजवान भी ना खेल पाए। तो ही हरदोए की बात करें तो एक मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करी थी, बाकी सभी मैचों में ये भी फ्लॉप। आप बोलोगे भैया ऊपर के 3 बल्लेबाज फ्लॉप है फिर भी मैच जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि अगर हम यहाँ पे इमरुल कैस की बात करते, इमरुल कैस ने लगातार सभी मैचों में जबरदस्त पारियां खेली, वही छोटी मोटी नहीं बड़ी बड़ी पारियां खेली हैं। उसके बाद जाकिर अली ने इनका बहुत अच्छे से साथ दिया, जाकिर अली ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया पारियां खेली अपनी टीम के लिए। हालांकि रोस्टन चेस की बात करें तो रोस्टन चेस ने बढ़िया गेंदबाजी करी, जो कि बल्लेबाजी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं कर पाई, लेकिन जरूरत पड़ने में एकाता मैच में खुशदिल शाह ने बढ़िया बल्लेबाजी करी। बढ़िया बल्लेबाजी के साथ साथ ना खुशदिल शाह ने बढ़िया गेंदबाजी भी करके दी अपनी टीम को। और मैथ्यू फोर्ड की बात करें तो मैथ्यू फोर्ड भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जब जरूरत होती बल्लेबाजी की तो एकाता मैच में बढ़िया बल्लेबाजी करी, बाकी 2 मैच में मैथ्यू फोर्ड ने गेंदबाजी भी काफी शानदार करी। बाकी तनवीर इस्लाम की बात करो, तनवीर इस्लाम सभी मैचों में जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट चटकाने किफायती हो रहे हैं। तफीज मुस्तफीजुर रहमान की बात करें तो इन्होंने एकाता मैच छोड़ दिया, तो सभी मैचों में कमाल की गेंदबाजी करके दी, मैचेस जिताए अपनी टीम को। हालांकि आशीष इस्लाम की बात करें तो आशीष इस्लाम एकाता मैच में बढ़िया गेंदबाजी करी, लेकिन ज्यादा फर्क इनको ना पड़ा, क्योंकि उधर से रेस्टन चेस, खुशदिल शाह ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, मतलब बढ़िया गेंदबाजी कर दे। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर के टॉप 3 की बल्लेबाजी देखें फ्लॉप है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी वो बढ़िया चल रही, उसके साथ साथ जो इनकी गेंदबाजी है ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चल रही है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो इनके गेंदबाज है ना वो इनको मैचेस जिता रहे हैं, बल्लेबाज तो थोड़ा बहुत बस योगदान दे रहे हैं। गेंदबाजी बढ़िया, बल्लेबाजी थोड़ा सा आधी अधूरी नजर आ रही किसकी, कोमबिला विक्टोरियंस की। मतलब अगर हम यहाँ पे रंगपुर राइडर्स की बात करें तो ये भी ना जो अपना पिछला मैच है जीत कर आए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये भी कोई चेंज करेंगे, क्योंकि रोनी तालुकदार की बात करें तो एकाता मैच छोड़ दिया जाए तो सभी मैचों में फ्लॉप, इनका बल्ला नहीं चल रहा, किसका, रोनी तालुकदार का। बाबर आजम की बात करें तो आपको पता था लीजेंड बल्लेबाज है और लीजेंड की तरह बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, जो मैचेस जीत रहे हैं ना उसमें बाबर आजम की जो बल्लेबाजी हो रही है बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो रही। ब्रेंडन किंग की बात करें तो ब्रेंडन किंग ने एकाता मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस करी, नहीं तो सभी मैचों में ये भाई साहब भी फ्लॉप, एक भी मैच में अभी तक बढ़िया, मतलब एक मैच हटा दिया जाए तो सभी मैच में फ्लॉप ही रहे। समीम हुसैन की बात करें तो समीम हुसैन एकाता मैच में चल रहे तो एकाता मैच में फ्लॉप हो जाते हैं, मतलब एक मैच में बढ़िया खेलेंगे तो अगले मैच में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, खेल नहीं पाते। अजमतुल्ला उमरजई की बात करें तो अजमतुल्ला उमरजई का मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन ठीक ठाक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करी है, एकाता मैच में बढ़िया गेंदबाजी, एकाता 2 मैच में बढ़िया बल्लेबाजी, जो कि ठीक ठाक है। एक ऑलराउंडर से जितना उम्मीद करते उतना अजमतुल्ला उमरजई करके दे रहे हैं। शकीबुल हसन की बात करें तो शकीबुल हसन ने बीच में एकाता मैच मिस भी किया था, एकाता 2 मैच जो मैच खेले उसमें साकिब ने गेंदबाजी तो बढ़िया करी, लेकिन बल्लेबाजी एक मैच में भी साकिब अच्छी नहीं कर पाए। मोहम्मद नबी की बात करें तो मोहम्मद नबी अपने
एक्सपीरियंस का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं, खास करके अपनी गेंदबाजी में। सभी मैचों में गेंदबाजी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी की बात करें तो पिछले मैच में ठीक ठाक बल्लेबाजी करी थी, नहीं तो बल्लेबाजी ज्यादा मैचों में अच्छी नहीं कर पाए। नूरुल हसन जो इनके कप्तान है, कप्तान साहब की भी बात करें तो इनकी भी वही कहानी, एक मैच में बढ़िया खेलते हैं तो एक मैच में थोड़ा सा फ्लॉप भी हो जाते हैं, मतलब 20-25 की पारी एक मैच में खेलते हैं तो अगले में वो भी नहीं कर पाते। मेहंदी हसन की बात करें तो मेहंदी हसन ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है सभी मैचों में, एक आध मैच में बल्लेबाजी भी बढ़िया कर दी मेहंदी हसन ने, तो ये बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। रिपन मुंडल की बात करें तो रिपन मुंडल एक आधा मैच में बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, एक आधा मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल होते हैं, महंगे साबित होते हैं, लेकिन हसन महमूद की बात करें तो इन्होंने सभी मैचों में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी है, खास करके विकेट भी चटकाए, किफायती भी रहे। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो रंगपुर राइडर्स की टीम है, परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ठीक ठाक नजर आ रही है, लेकिन होता क्या है, मैच में बिल्कुल पकड़ बना के रखते हैं और आखिरी में मैच को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो आज का मैच करेगी अपने नाम, चलो मैं आपको बताता हूं। बस उससे पहले ना एक छोटा सा काम कर दो यार, छोटा सा काम क्या करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक, जिससे यार गूगल चाचू को पता चल जाए आप हमारा सपोर्ट करते हो, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इतना तो कर सकते हो ना भाई के लिए, कर दिया बहुत बढ़िया। तो सारी एनालिसिस करने के बाद ये जो मैच है ना वो 50-50 कोम्बिला विक्टोरियंस एंड 50 रंगपुर राइडर्स, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे लगता है जो आज का ये मैच है ना रंगपुर राइडर्स अपने नाम पे कर सकता है। बाकी भाई लोग इस मैच की जो फाइनल प्रेडिक्शन है वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, और आपको ये भी बताना क्रिकेट के बहुत सारे मैचेस चल रहे हैं, उन सभी मैचों की जो वीडियो है ना वो बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन सभी मैचों की जबरदस्त वाली प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे लिंक मिलेगी, जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट है वहां पे भी लिंक मिल जाएगी। अप्सरा प्रोडक्शन हाउस के नाम पे भाई का टेलीग्राम है, सभी मैचों की जबरदस्त प्रेडिक्शन चाहिए तो भाई का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।